हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग लुक रिक्रिएट करने वाले, फाइनली लुक रिक्रिएशन का वीडियो आ ही गया और आज हम लुक रिक्रिएट करने वाले हैं। वेट, मैं आपको दिखाती हूँ इनका। सी द वन एंड ओनली सुष्मिता सेन। सो इनकी एक मूवी आई है ताली, मूवी नहीं वेब सीरीज़ है ताली, तो मैं उसका लुक रिक्रिएट करने वाली हूँ। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे इसके लिए तो साड़ी पहननी पड़ेगी, तो मैं सोच रही हूँ पहले मेकअप करूँ या फिर पहले साड़ी पहनूँ। आई थिंक मुझे पहले साड़ी पहन लेना चाहिए, पर मैं साड़ी के साथ क्या मेकअप कर पाऊँगी। चलो लेट्स सी। ठीक है, पहले साड़ी पहन लेते हैं, पहले साड़ी डिसाइड करते हैं कि मैं साड़ी कौन सी पहनूंगी। इन्होंने थोड़ी बनारसी टाइप की पहनी है, मैं देखती हूँ मेरे पास कौन सी साड़ी है। एकदम परफेक्टली मैच तो हो नहीं सकती, ग्रीन मरून टाइप की है, सो देखते हैं। तो गाइस साड़ी तो मुझे मिल गई है, लेकिन वो कलर मुझे मिल नहीं पाया क्योंकि मेरी मम्मी पास बनारसी है पर कलर वो नहीं है। तो मुझे मिला है ये वाली साड़ी और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, मैच तो उससे बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो मैं सोच रही हूँ मैं ये वाला पहन लूँ क्योंकि बनारसी में और कोई नहीं है। तो चलो मैं इसको पहनती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ कि मुझ पर कैसा लग रहा है एक्चुअली मुझे। सो गाइज, बड़ी मेहनत से मैंने ये साड़ी पहनी है, मतलब खुद से मैंने पहनी है, मैंने कभी ज़िंदगी में साड़ी नहीं पहनी ऐसी पहनी थी। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने तो बहुत अच्छी पहनी है, मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग बताना कैसी लग रही है। तो साड़ी तो डन हो चुका है, मेरे मेकअप करते तक मेरी साड़ी ना खुल जाए, बस मैंने एक पिन लगाया है यहाँ और बस इतना ही। सबसे पहले हम लोग ताली, जो सुष्मिता सेन है उसमें गौरी, उनकी तरह हम बाल सही कर लेते हैं, उन्होंने कैसे बाल रखा है। शी इज़ माई फेवरेट हीरोइन सुष्मिता सेन, बहुत अच्छी लगती है मुझे। कैसे खुल गया यार, कम से कम मेकअप करते तक तो टिक जाता। इसको अंदर डाल देते हैं, किसको दिख रहा है ऐसे, अब ठीक है। ये कलर मुझ पे सूट हो रहा है यार, मतलब ब्लू कलर मुझ पे सूट होता है। मैं इतनी सुंदर क्यों लग रही हूँ गाइस? क्या मैं आपको सुंदर लग रही हूँ? मैं खुद की फेवरेट हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि हमारी इन्होंने कैसे कंघी किया है, ऐसे यहाँ से ऐसे बीच मांग गई है इनका। मैं तो पूरी औरत लगने लगी, लग रही हूँ ना दो बच्चों की माँ। ओ माय गॉड, मैं कैसी लग रही हूँ। तो गाइस मुझे ऐसा अब फील हो रहा है कि मेरे को साड़ी बाद में पहननी चाहिए थी। रेड है और मेरा ब्लू, कोई नहीं, आप लोगों को मजा आना चाहिए बस। पहले मैं फाउंडेशन, ओ शिट, तो सारा निकल गया तो काफ़ी है। और मैं फाउंडेशन लगाने वाली हूँ वही वाले ब्रश से, ये वाले, इतने कलर होंगे, हरा नीला पीला नीला। उस दिन जो मैंने, आप लोगों को याद है मैंने जवान लुक किया था, उसमें मैंने इसी ब्रश से थोपा था। अगर आप लोगों ने वो लुक नहीं देखा होगा ना, पहले जाके देखो फिर ये वाला वीडियो कंटिन्यू करना। तो मैंने उसमें बहुत सारा अपना मेकअप थोपा था। तो सबसे पहले ना फाउंडेशन लगा लेती हूँ अपने चेहरे पे ताकि मेरा इवन टोन लगे और मैं चमकदार लगूँ। ना कह रही मैं भी, मैंने ये लुक ना बहुत दिन से सोच के रखा था, जिस दिन मैंने ताली मूवी सीरीज़ देखी थी। एक्चुअली मैं ज़्यादा मूवी वूवी देखती नहीं हूँ, पर मैं जो भी देखती हूँ तो मुझे फिर वो एकदम ज़्यादा ही अच्छा लग जाता है। गाइस पिछले बार का आपने अकीरा लुक में आईब्रो देखा था ना, मैंने कैसे किया था। मुझे आईब्रो करना बिल्कुल भी नहीं आता, मतलब बिल्कुल भी नहीं।
एक साइड का आईब्रो तो हो गया है, उतना परफेक्ट नहीं हुआ है, पर मुझे आईब्रो करना नहीं आता। आप लोग को पता यार मैं कैसी लग रही हूँ यार, मैं साड़ी में कितनी बुरी लगूंगी। साड़ी पहन के काम करते हैं ना, हैट्स ऑफ, क्योंकि मुझसे साड़ी बन नहीं रही। इसको थोड़ा और डार्क कर लेते हैं, ये वाला कम लग रहा है। ठीक है गाइस, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी बिंदी, मतलब बिंदी मेरे पास इतनी बड़ी है ही नहीं, तो मुझे कलर करना पड़ेगा। यार मुझे आईने में देख के लगाना होगा। वेट, यार मैं कैसे ही लग रही हूँ। इसलिए गाइस मैं इसलिए सिर्फ यही वजह है कि मैं मेकअप नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं फिर चुड़ैलों की तरह लगने लगती हूँ। सी आई हैव मस्कारा, पापा ना आ गया। ये वाला मस्कारा सूखा पड़ा था, मुझे लगा वाह कितना अच्छा लगा लिया मैंने। ओ शिट, आँख में घुस गया यार। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लगा लिया। ओ शिट, पूरा पानी पानी हो गया है, पूरा नकली आईब्रो लग रहा है ना। मैं इतनी खराब मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं तो भुतनिया लगने लगी यार ये आईब्रो करके। गाइस मैं कैसी चल लग रही हूँ यार, मुझे ना ये मुनी लगाना चाहिए था, क्या कहते हैं ये, क्योंकि मैं बहुत अजीब लगने लगती हूँ। गाइस ये शक्ल देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके आगे मुझे नहीं करना चाहिए। मैं कितनी गंदी लग रही हूँ, मैं बहुत गंदी लग रही हूँ, मैं बिना मेकअप के बहुत सुंदर लग रही थी। लुक एट माई आईब्रोज यार, तो क्या आप लोग मेरे को लिपस्टिक के बाद देखना चाहेंगे? मैंने कभी ज़िंदगी में लिपस्टिक नहीं लगाया, मतलब लगाया है पार्टीज़ में, लेकिन आप लोगों ने मुझे कभी नहीं देखा, क्योंकि यूट्यूब वीडियो स्टार्ट किए अभी मुझे थोड़े ही दिन हुआ है। तो आप देखना कि मैं कैसे लगती हूँ लिपस्टिक लगा के। यार मुझसे लिपस्टिक ढंग से लगी ही नहीं, तो बिल्कुल गम जैसा है। गाइस इसलिए सिर्फ यही कारण है कि मुझे शादी करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, क्योंकि मैं शादी करके ऐसी लगूंगी बिल्कुल, आई मीन पेंट का सही इस्तेमाल करने वाले हैं। मैं पहले आउटलाइन बना के आऊंगी। क्या आपको ये आउटलाइन गोल दिख रहा है? चलो फिर कर लेते हैं यार, माता लग रही हूँ मैं पूरी। से कर लूँ सही यार,
ज़्यादा गंदी लग रही हूँ, लाइक रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा गंदी और इधर भी बहुत ज़्यादा गंदी। तो जिस किसी ने भी मुझसे बोला था ना मंजुली का कर लो रिक्रिएट करो, तो अभी मैं जब पूछूँगी ना तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मंजुली का कैसी दिखती है, ठीक है। अभी मैं बनी हूँ ताली। वो नीचे दिख रहा है कि ऊपर दिख रहा है, ये भी तो सोच। सो गाइस आई एम बैक, और मेरा काजल तो पूछा ही नहीं। क्या पूछेगा? नहीं, आज के वीडियो में आपको उतनी मज़ा नहीं आई होगी, लेकिन मैं क्या करूं। अब आप लोग ही बताना कि मुझे नेक्स्ट कौन सा लुक रिक्रिएट करना चाहिए। मतलब आप मेरा नूर देखें, अब बिना मेकअप के आप मेरा ग्लो देखें, ये देखें मेरा जो रियल स्किन होती है ना, उसको मेकअप भी बीट नहीं कर सकता। तो मुझे अपनी रियल स्किन से बहुत प्यार है। देखो मैं और सो गुड। देखो मुझे उस दिन पिंपल हो रहे थे यहाँ पे, मैंने थोड़ा सा केयर किया, वो ठीक हो गया। अब मैं सोच रही हूँ ये जो मैंने यहाँ फलारा किया है उसको समेटेगा कौन? ऑब्वियसली मैं। जब आप लोग मेरा ये वाला लुक देखे हो ना, तो मेरे बाद का स्ट्रगल भी देखो। ये उड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये उड़ेंगे नहीं। अगर मैंने साड़ी घड़ी करके नहीं रखी तो मेरी मम्मी मेरी जान खा जाएगी। मैंने सब कुछ परफेक्ट कर दिया, आप देख लो। गाइस मेरे घर वाले, अरे चुप रे, मेरे घर वाले मुझे पागल समझते हैं, इसलिए उन लोग का आप लोगों को लगता होगा कि अरे चुप कर, आप लोग को लगता होगा कि इन लोग का कोई रिएक्शन क्यों नहीं आता, क्योंकि उनको पता है कि मैं पागल हूँ। तू चुप कर।